हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, जो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आपको स्क्वायर रूट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने पिछली वीडियो बनाई है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। 1 से लेकर 9 तक का वर्ग याद करना होगा। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 1 हो, देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, 9 का 81 है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। तो इसका मतलब अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 1 हो, तो इसका मतलब वो 1 का वर्ग होगा या फिर 9 का वर्ग होगा। अगर 4 हो तो 2 का होगा या 8 का होगा, 9 हो तो 3 का होगा या 7 का होगा, 6 हो तो या 4 का होगा या 6 का होगा, अगर 5 हो तो ये 5 का ही सिर्फ होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 5 हो, तो इसका मतलब वो 5 का स्क्वायर है। तो अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, देखिए कहीं पर 2 नहीं है, कहीं पर भी 3 भी नहीं है और कहीं पर 7 भी नहीं है, इकाई अंक पर हम बात करें, और कहीं पर भी 8 भी नहीं है, यहाँ लिख लीजिए। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसका मतलब वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। या फिर 0 की संख्या विषम हो, तो इसका मतलब वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर 0 की संख्या सम हो, तो इसका मतलब वो किसी भी संख्या का वर्ग है। जैसे 100 है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो सम संख्या है, इसका मतलब ये किसी का वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो चलिए 1000 ले लेते हैं, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो विषम संख्या है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यदि कहीं पर पूछे कि 13228 किस संख्या का वर्ग है, इसका इकाई अंक 8 है, आपको पता ही है, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यदि इकाई अंक 8 की जगह यदि हम 5 कर दें, तो ये किस संख्या का वर्ग हो जाएगा, 115 का। ये किसी का वर्ग है, 1083 किसी का वर्ग नहीं है। अब ये किसी का वर्ग है, 5777 नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। तो ये जो है किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है, क्योंकि इसकी जो जीरो की संख्या है वो 5 है, तो 5 विषम संख्या होती है, तो इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अगर हम 50 की जगह 40 लिख दें, तो किसका वर्ग हो जाएगा, 200 का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक होती है फैक्टर विधि और दूसरी होती है डिवाइड विधि। हम इसमें से आपको सबसे अलग बताएंगे, जो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमारा एग्जांपल है 6241, इसमें का जो इकाई अंक है वो है 1। तो हमें ये देखना है कि किस वर्ग का इकाई अंक 1 होता है, एक तो 1K और 9K, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे 62 को। अब हमें ये ध्यान देना है कि किन 2 वर्गों के बीच 62 आता है, एक तो आता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और एक ज़्यादा हम ले लेंगे 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो इसमें का जो बीच का होगा वो 60 हो जाएगा, बीच हमारा 62 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 49 है, तो 49 किस संख्या का वर्ग है, 7 का वर्ग है, तो हम 7 लिख देंगे। अब हमारा कंफर्म हो गया कि जो पहली संख्या है वो 7 ही है। अब हमें ये देखना है कि जो इसका इकाई अंक है वो 1 होगा कि 9 होगा, 71 होगा कि 79 होगा। तो हम इसे कंपेरिजन करने के लिए, अगर 62 अगर 64 में जो डिफरेंस है अगर वो कम आता है, तो हम बड़ी संख्या को ले लेंगे। अगर 62 में 49 का जो डिफरेंस है अगर वो कम आता है, तो हम छोटी संख्या को ले लेंगे। इसमें का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13, इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, तो इसमें 62-64 जो डिफरेंस आ रहा है कम आ रहा है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे, बड़ी संख्या 9 है, यहाँ कितना हो जाएगा 79। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए है 9604, इसमें का जो इकाई अंक है वो है 4,
तो किस वर्ग के इकाई अंक में 4 आता है? एक तो आता है 2K और एक 8K। अब हम इसे भूल जाना है। फिर हम देखेंगे 96 को कि किन दो वर्गों के बीच में 96 आता है। एक तो आ जाएगा 81 किस संख्या का वर्ग है? 9 का। और हम 10 का वर्ग कितना होता है? 100, तो 100 लिख देंगे। और जो 20 की संख्या है वो हो जाएगी 96। इसमें सबसे छोटी संख्या 81 है, तो 81 किस संख्या का वर्ग है? 9 का वर्ग है, तो हम 9 लिख देंगे। अब हमारा कंफर्म हो गया कि जो पहली संख्या है वो 9 ही होगी। अब हमें ये जानना है कि जो इकाई अंक है वो 2 होगा या 8 होगा, 92 होगा या फिर 98 होगा। तो इसे कंपेरिजन करने के लिए देखेंगे 96 का जो 100 में अगर डिफरेंस अगर कम आता है तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे। अगर 96 से 81 का जो डिफरेंस है अगर वो कम आता है तो हम छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15। इसका कितना डिफरेंस हो जाएगा? 4। तो इसमें से कम डिफरेंस किसका आया है? 4। तो इसमें से हम बड़ी संख्या को ले लेंगे, बड़ी संख्या 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 98। तो इसका मतलब जो 9604 किस संख्या का वर्ग है? 98 का। मान लीजिए है 5776, इसमें का जो इकाई अंक है वो है 6। हमें ये ध्यान देना है कि किस वर्ग का इकाई अंक 6 होता है, एक तो 4 में एक 6 में। अब आप इसको भूल जाइए। अब हम देखेंगे 57 को, तो हमें ये ध्यान देना है कि किन दो वर्गों के बीच 57 आता है। एक तो आ जाएगा 49 के बीच, 49 किसका वर्ग है? 7 का। अब हम 8 का वर्ग ले लेते हैं, 8 का वर्ग होता है 64, जो बीच हो जाएगा हमारा हो जाएगा 57। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 49 है, तो 49 किस संख्या का वर्ग है? 7 का वर्ग है। तब हमें ये कंपेरिजन करना है कि जो इकाई अंक है वो 4 होगा कि 6 होगा, 74 होगा कि 76 होगा। तो इसको कंपेरिजन करके हम क्या करेंगे, 57 का अगर 64 में जो डिफरेंट है अगर वो कम आता है तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे। अगर जो 49 में अगर 57 का जो डिफरेंस है अगर वो कम आता है तो हम छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 8। इसका जो डिफरेंस है कितना आएगा? 7। तो इसमें से जो छोटा डिफरेंस है वो है 57 और 64 का। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी, बड़ी संख्या को ले लेंगे, बड़ी संख्या हमारी 6 है, तो यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा 6। तो इसका मतलब जो 5776 है वो किस संख्या का वर्ग है? 76 का वर्ग है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।